Hello, my dear student. How are you? Good morning to all. I am your teacher Anushree. Today's date is 5th August 2020 and day Wednesday. Today we are going to learn mathematics. So you just take your mathematics textbook part 1. Okay? And open the page number 21. Today we are going to learn our next topic. Okay? पहले हमने क्या पढ़ा था? कि 300 क्या है, 200 क्या है, कैसे काउंटिंग की जाती है ना, हमने पढ़ा था टेंस क्या होते हैं. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम आगे बढ़ते हैं. ओके, इन द सेम वे वी गेट द 500. जिस तरीके से हमने अभी 400 को कैसे काउंट किया जाता है, 300 को कैसे काउंट किया जाता है, 100, 200 कैसे काउंट किया जाता है वो पढ़ा था, उसी तरीके से उसी तरीके से हमें अभी क्या देखना है, 500 कैसे पढ़ते हैं, है ना, कैसे 500 को कैसे पढ़ा जाता है ना, कैसे लिखा जाता है. 600, 700, 800 एंड 900. ओके, द ऑलमोस्ट थ्री डिजिट नंबर इज द 100. ठीक है, 100 क्या है, थ्री डिजिट नंबर है. देखो 1, 2, 3 कितने डिजिट्स हमें मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3. तो ये क्या है, 100 क्या है, थ्री डिजिट नंबर है. हम लोगों को 2 डिजिट क्या है, 1 डिजिट क्या है, 3 डिजिट क्या है, इसे आइडेंटिफाई करना और समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज द 999. ओके, अभी यू जस्ट लिसन केयरफुली, मैंने इसे कैसे पढ़ा है, 999. ओके, 999, तो ये क्या है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है ना. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यूजिंग अ स्पाइक एबेकस. अभी हमें इस कंसेप्ट को एबेकस की स्पाइक इस्तेमाल करते हुए, कील का इस्तेमाल करते हुए समझना है. ओके, ठीक है, सी दिस, ये हमें एबेकस की स्पाइक यहाँ पे नजर आ रही है. ओके, वी हैव लर्न हाउ टू शो द नंबर 99 ऑन एन एबेकस. अभी हम क्या देखेंगे, 99 नंबर एबेकस में कैसे मिलता है. ओके, ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में हमें दिख रहा है 99, तो क्यों है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रीन कलर के 9 ब्रीड 9 मनी इस फर्स्ट वाली कील में है, स्पाइक में है. ओके, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, और 9 जो हमारे वंस है, वो जो हमारे ब्रीड्स है, मनी है, वो इस वाली स्पाइक में है. तो ये क्या बन जाते हैं, हमारा 9 क्या हुआ, टेंस, और ये 9 हुआ हमारा वंस, और मतलब क्या हुआ, 99 है ना. किस तरीके से हमें ब्रीड का इस्तेमाल करते हुए, स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए 99 को समझाया गया है. ठीक है, टेंस क्या है, वंस क्या है, ये भी यहाँ पे हमें दिख रहा है. ये 9 क्या हो गया, पहला वाला टेंस, एंड दूसरा वाला 9 हो गया वंस, 99. ओके, देन नेक्स्ट, टू शो द नंबर्स 100 है ना, 100. ओके, टू शो द नंबर 100 वी रिमूव ऑल द ग्रीन ब्रीड फ्रॉम द टेंस प्लेस. ओके, वी ऑल्सो रिमूव ऑल द ब्लू ब्रीड्स फ्रॉम द वन प्लेस. हम लोगों को क्या करना है, ये ग्रीन जो है इसको भी यहाँ से रिमूव करना है, और जो ब्लू ब्रीड्स है, मनी है, उसको वहाँ से रिमूव करना है. वी देन पुट वन पिंक ब्रीड. और हम लोगों को क्या करना है, इस स्पाइक में से ग्रीन कलर के भी ये निकालने हैं, मनी निकालने हैं, रिमूव करने हैं, और ब्लू कलर के मनी रिमूव करने हैं. ठीक है, ये जो हमें डायग्राम दिखाई गई है, इसे हमें समझाया गया है. ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वाले 100 वाले पहली वाली स्पाइक में हमें कौन सा मनी डालना है, फर्स्ट वाले, पुट द फर्स्ट पिंक ब्रीड इन वन पिंक ब्रीड इन द थर्ड स्पाइक. 3 नंबर के स्पाइक में हमें कौन सा मनी डालना है, एक पिंक कलर का मनी डालना है. ओके, सारे हमने क्या कर लिया, पहले ग्रीन जो मनी थे वो भी रिमूव कर लिए, जो ब्लू मनी थे ब्रीड से वो हमने रिमूव कर लिए, और यहाँ पे खाली हमने एक पिंक कलर का मनी डाला है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, टेंस और वंस में कुछ भी नहीं है. तो ये क्या बन जाता है, 100 टेंस एंड वंस है ना, तो ये क्या बन जाता है, 100 है ना, क्या बन जाता है, हमें क्या मिल रहा है, 100. यहाँ से हमने सारे मनी रिमूव कर लिए हैं पहले नंबर वाले स्पाइक में से, और इसमें खाली हमने
एक ही मनी डाला है ना, एक ही पिंक कलर का ब्रीड हमने इसमें पुट किया है, डाला है। तो यहाँ पे वन मनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा 100, 100 मतलब है 100, 100, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? देखिए नीचे हमें दिखाया गया है वन ब्लू वन ब्रीड इक्वल्स टू वन यूनिट इन दिस वन स्पाइक, है ना। वो हमें क्या दिखा रहा है, हर एक स्पाइक में एक यूनिट हमें दर्शा रहा है, दिखा रहा है। वन ग्रीन ब्रीड्स वन यूनिट इज द 10 स्पाइक, है ना। ये हमें क्या दिखा रहा है, वन यूनिट इन द 10 स्पाइक, एक स्पाइक में हमें 10 स्पाइक में हमें एक यूनिट दिखा रहा है ना। मतलब जैसे कि हमने काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसी तरीके से, ठीक है। और वन पिंक यूनिट वन पिंक ब्रीड मनी शोज वन यूनिट इन द 100 स्पाइक, एक यूनिट इन द 100 स्पाइक, है ना, ठीक है। तो हमें क्या दिखा रहा है, वो एक ही यूनिट है लेकिन हमें वो 100 स्पाइक दिखा रहा है, ठीक है। वन यूनिट इन द 100 स्पाइक, 100 स्पाइक में हमें वो एक यूनिट दिखा रहा है, दर्शा रहा है। दस टू शो द 999, यू जस्ट लिसन केयरफुली कि मैं उसे किस, आई जस्ट रीड, यू जस्ट लिसन केयरफुली, ओके माई डियर। दस टू शोज 999, इस नंबर को कैसे पढ़ा जाता है उसे आपको ध्यान में रखना है। आई जस्ट रीड 999, ओके। वी पुट 9 पिंक ब्रीड्स इन द 100 स्पाइक, हम लोगों ने क्या किए है, किया है 9 ब्रीड्स हमने 100 स्पाइक में ऐड किए है। पुट 9 पिंक ब्रीड्स इन द 100 स्पाइक, हमने 9 जो ये 100 नंबर की जो स्पाइक है इसमें 9 सॉरी इस वाले नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया है, दस टू शोज द 999, वी पुट द 9 पिंक ब्रीड्स इन द 100 स्पाइक, 100 नंबर वाली जो स्पाइक हमें नजर आ रही है ना, जो यच से हमें दिखाई दे रही है, इसलिए इसको 100 स्पाइक बोला गया है। 9 ग्रीन ब्रीड्स इन द 10 स्पाइक एंड 9 ब्लू ब्रीड्स इन द 1 स्पाइक, यहाँ पे 100 वाले स्पाइक में 9 पिंक कलर के ब्रीड्स डाले गए हैं, पुट किए गए हैं, डाले गए हैं, और टेंस वाले स्पाइक में ग्रीन कलर के 9 ब्रीड्स मनी डाले गए हैं। उसके बाद वंस वाले स्पाइक में भी ब्लू कलर के ब्रीड्स मनी डाले गए हैं, मनी डाले गए हैं, ओके। सी दिस, आई जस्ट काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके, गॉट इट। तो हर एक स्पाइक में 9 मनी हमने पुट किए हैं, डाले हैं, पिंक कलर के, ग्रीन कलर के और वंस में डाले हैं ब्लू कलर के। तो हमें कैसे, कौन सा नंबर मिल रहा है, 999 ओके। ये जो पहला वाला 9 है ये है एच टी और ओ, 999 ओके। कैसे पढ़ना है इसे, 999 ओके। इन द सेम वे वी कैन शो द नंबर्स 298 एंड 459 ऑन द अबैकस, और हमें कुछ और नंबर्स एग्जाम्पल दिए गए हैं अबैकस इस टूल का इस्तेमाल करते हुए, कौन से नंबर समझाए गए हैं, 124, 298, 459 ओके। देखिए यहाँ पे 100 में हमें एक ब्रीड नजर आ रहा है पिंक कलर का, और 10s में हमें 2 ब्रीड नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, और हमें 1s में 4 ब्रीड नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, बीड्स नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, है ना, 124 ओके। और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें 298 को कैसे दिखाया गया है अबैकस के इस ऑब्जेक्ट में, इस टूल में, देखिए एच में हमें कितने ब्रीड्स नजर आ रहे हैं, 2 ब्रीड्स नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, और टेंस में हमें 9 ब्रीड्स नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और यहाँ पे वंस में हमें 8 ब्रीड्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 298
ओके उसी तरीके से है ये 459। तो 100 में हमें बीट्स नजर आ रहे हैं 4 पिंक कलर के 1 2 3 4। उसी तरीके से टेंस में हमें बीट्स नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के 5 1 2 3 4 एंड 5, है ना, 5 बीट्स हमें नजर आ रहे हैं इस टेंस वाले स्पाइक में। उसके बाद वंस वाले स्पाइक में हमें 9 बीट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमें कौन सा नंबर मिल रहा है यहाँ पे, इसे हमें कैसे पढ़ना है, 459। ओके गॉट इट। देखिए आगे हमें यहाँ पे पढ़ के मतलब यहाँ पे लिख के दिया गया है नाम्स, है ना, इस नंबर के नाम्स दिए गए हैं। वी कैन राइट द नंबर नेम्स ऑफ दीज नंबर्स एज, किस तरीके से हम लिखेंगे, 124, ठीक है, 299, 459, है ना, कैसे पढ़ा गया है इसको, 129, 298, है ना, 298 एंड 459, किस तरीके से पढ़ा गया है, समझ में आ गया आपको। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ और नंबर्स को लेके इस एग्जाम्पल को, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा है, इसे समझना है और लिखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको कैसे काउंट करना है और इस नंबर को कैसे लिखना है और पढ़ना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जगह की कीमत, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम अभी पढ़ने वाले हैं। मतलब कि किसी एक जगह की कीमत हम बोल सकते हैं, और फेस वैल्यू मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट की कीमत हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमें एक नंबर दर्शाता है, दिखाता है। ओके, प्लेस वैल्यू, एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज अ प्लेस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, ईच डिजिट गेट्स इट्स द वैल्यू फ्रॉम द प्लेस इट ऑक्यूपाई, दिस वैल्यू इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। मतलब कि हर एक नंबर हमें उसकी प्लेस वैल्यू दिखाता है, प्लेस दिखाता है, जगह दिखाता है, एंड उसकी वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है वो दिखाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब क्या होता है, एक नंबर जो हमें उसकी प्लेस दिखा रहा है, जगह दिखा रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है वो दिखा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्लेस वैल्यू। फिर वो चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, लेकिन वो अपनी चार्ट में अपनी जगह दिखा रहा है और अपनी वैल्यू बता रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। इस वाले डेफिनेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या है वो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, देन है नेक्स्ट है फेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट दैट रिमेन द सेम एट एनी प्लेस इन अ नंबर इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट दैट रिमेन, ठीक है, मतलब क्या है कि उसकी जगह कौन सी भी हो, लेकिन वो अपनी डिजिट देन रिमेन द सेम एनी प्लेस, वो अपनी जगह एक ही प्लेस पे हमें, उसकी जगह चाहे कोई भी हो, वो अपनी वैल्यू, उसकी वैल्यू एक ही होती है, ठीक है, उसकी जगह कोई भी हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट दैट रिमेन, ठीक है, द सेम एट एनी प्लेस इन अ नंबर्स नंबर इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू, ठीक है। इस डायग्राम को, इस वाले डेफिनेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। आई जस्ट रीड वन मोर टाइम, द वैल्यू ऑफ डिजिट दैट रिमेन, जो नंबर है, जो डिजिट है हमें मिला हुआ, रिमेन बचा हुआ, द सेम एट एनी प्लेस इन अ नंबर, उसकी जगह पे वो फेस वैल्यू में क्या होता है कि वो नंबर कहीं पे भी रहे, उसकी जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, सेम ही होती है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इन द 3 डिजिट नंबर्स, अभी हमें नीचे 3 डिजिट नंबर का इस्तेमाल करते हुए प्लेस वैल्यू को बताया गया है, हाँ समझना है, ठीक है। कंसीडर द 3 डिजिट नंबर्स 110, मतलब 110, ईट्स 110, ओके, ईट्स नंबर नेम इज 110, है ना, 110, हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं, 110
tens. Okay, consider the three digit number 110. Its number name is 110. इसको कैसे पढ़ना है आपको? इसका नाम कैसा है? 110. 110 has 100, 110 and 0 ones. Okay, see this. आपको समझ में आ रहा है? क्या है 110 का? यहाँ पे 110 को explain किया गया है. देखो, has 100, 110 and 0 ones. It is the written in the place value chart as shown. हमें नीचे अभी एक चार्ट दिया गया है, उसे समझना है तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी प्लेस क्या है और वैल्यू क्या है. तो देखिए, प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स एच, टेन्स टी, वंस जीरो, सॉरी ओ, मतलब कि ये जो यहाँ पे ये एच टी और ओ जो है, ये है इसके शॉर्ट फॉर्म. ओके, हंड्रेड्स टेन्स वंस. ओके, वैल्यू क्या है? वन है ना, और वन और जीरो, तो 110. ओके, 110. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? प्लेस वैल्यू, इसकी वैल्यू समझ में आ रही है? इसको क्या है, इसमें ये वैल्यू हमें दिख रही है, ये इसका प्लेस है. ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है. आई जस्ट रीड, यू जस्ट लिसन केयरफुली. एग्जाम्पल वन, फाइंड द प्लेस वैल्यूज एंड द फेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट इन 842. है ना, 842. सोल्यूशन अभी देखिए, इसको हमें दिखाया गया है. इस डायग्राम को हम अगर आप व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जो है ये वंस दिखा रहा है, और जो 4 है हमारा ये टेंस दिखा रहा है, और ये है 100. मतलब ये हो जाता है हमारा 8 जो है ये हंड्रेड्स, 4 जो है ये टेंस, 2 जो है ये वंस, है ना. 842. ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्लेस वैल्यू दिखाई गई है उसकी, और यहाँ पे फेस वैल्यू दिखाई गई है. ठीक है, सी दिस. तो यहाँ पे हमें देखिए, 2 वन डिजिट है, 2 डिजिट है, और 3 डिजिट है. ठीक है, कौन से एग्जांपल लिए गए हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझाने के लिए? 1 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, 2 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, और 3 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है. तो ये क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है. और फेस वैल्यू क्या है? 2 की 2 है, और 4040 में 4 है फेस वैल्यू, एंड 800 में क्या मिल रही है हमें फेस वैल्यू? 8. ओके, सी दिस. फेस वैल्यू हमें अच्छे से समझना है. ओके, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट, expanded form of a three digit number. Consider the number 425 in this place value chart as shown. अभी हमें फिर से एक नंबर दिया गया है 425. उसे हमें चार्ट के द्वारे चार्ट का इस्तेमाल करते हुए समझाया गया है. ठीक है, मैं उसे पढ़ने वाली हूँ, यू जस्ट लिसन केयरफुली. एच क्या है हमारा? हंड्रेड्स है 4, और ये है टेन्स एंड वंस. प्लेस वैल्यू 5 वंस, 5 टेन्स, मतलब कि 20 है ना, 2 टेन्स 20, 4 हंड्रेड्स इक्वल्स टू 4 हंड्रेड्स. तो इसीलिए हम इसे कैसे पढ़ते हैं? 425. ठीक है, यहाँ पे हमें टेंस समझाए गए हैं. मैंने अभी आपको आगे पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या है, 5 वंस मतलब 5. ठीक है, 2 टेंस मतलब 2 टेंस. ओके, मतलब कि देखिए अभी 5 इंटू 1 मतलब कि 5, 2 इंटू 2 10 मतलब 20, और 4 इंटू 100 मतलब 400, है ना. क्या है? 5 वंस 5, 4 टेन्स 20, और 4 हंड्रेड्स मतलब कि 400. तो इसे हमें कैसे पढ़ना है? 425. ओके, इस चार्ट को अगर आप व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिख के और पढ़ के समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, वी कैन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर विथ ए प्लस सीन बिटवीन देम दिस गिवन द एक्सपांडेड फ्रॉम द नंबर्स. मतलब कि अभी हमें
नीचे हमें ये जो 425 है इसको प्लस का इस्तेमाल करते हुए समझाया गया है, ये काउंटिंग हमें समझाई गई है। दिस गिवन द एक्सपांडेड फ्रॉम द नंबर्स, ठीक है, ये कैसे एक्सपांड होता है, ये नंबर कैसे बढ़ता है, ये हमें समझाया गया है। ओके, सो द एक्सपांडेड फ्रॉम द 425 इज, मतलब 400 प्लस 20 प्लस 5 मतलब 425, ठीक है, बीच में हमें ये प्लस का सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है, सीधे सबको नजर आ रहा है ये क्या है, प्लस मतलब 400 प्लस 20 प्लस 5 425, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बनता है ये 425। उसी तरीके से द नंबर नेम ऑफ द 425 इज 425। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ के बताया है कैसे पढ़ना है इसे, 425। ओके, 425 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अभी अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई जस्ट रेड, यू जस्ट लिसन केयरफुली। एग्जाम्पल टू, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अभी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि वो कौन से नंबर्स है। 946 मतलब यहाँ पे कैसे बनता है ये 946, और ये है हमारा 400 प्लस 2 टेंस प्लस 3 वंस, है ना, 400 प्लस 2 टेंस प्लस 3 वंस मतलब 423, ठीक है। उसी तरीके से है ये सी नंबर का एग्जाम्पल, 300 प्लस 0 टेंस प्लस क्या है 8 मतलब 308, ठीक है, 300 प्लस 0 टेंस प्लस हमें ये क्या है 8 वंस, है ना, हर एक की वैल्यू हमें दिखाई गई है, प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पे बताई गई है 100 टेंस एंड वंस, ठीक है। तो ये क्या बनता है 308, ठीक है। सॉल्यूशन, अभी नीचे जो ऊपर हमने नंबर पढ़ा है इसको एक चार्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे समझाया गया है। टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, राइट द नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन। तो अभी देखिए 100 टेंस एंड वंस, ठीक है, ये है उसका शॉर्ट फॉर्म ए बी एंड सी। 946 ये है 9 है 100, 4 है टेंस और 6 है वंस। उसी तरीके से 423 मतलब कि 4 है 100, 2 है टेंस और 3 है वंस। और उसी तरीके से 308 है 3 है 100, 0 है टेंस और 8 है क्या है वंस। ओके, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स, तो हमें कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था 900 ए में हमको कौन सा नंबर मिल रहा है 946, 423 एंड 308। ओके, ठीक है, गॉट इट। देन नेक्स्ट, आगे हमें और इस काउंटिंग को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसका नीचे ये सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ओके, और मेरे साथ इसे शेयर करना है, ठीक है, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप लोग अभी ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है उसे व्हाइट बोर्ड का या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।